नमस्ते, जेस रेसिपी 24 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में ट्रेडिशनल लहसुन के पत्ते के चिले, इन्हें आयते भी कहते हैं, इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, साथ में सेहतमंद होते हैं। तो चलिए, इसे बनाने के लिए लगने वाली सामग्री के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन के पत्ते लिए हैं। पत्तों को अच्छे से साफ करके 3 से 4 बार मैंने पानी से धो लिया है। लहसुन का हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, लहसुन का हम मसाला बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 400 ग्राम लहसुन के फ्रेश पत्ते लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पे चावल लिया है, जिसे मैंने 4 घंटे तक भिगो के रखा था। 1 कटोरी चावल है, हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, चावल का आटा। और गेहूं के आटे का यहाँ पे मैंने चावल के आटे से आधा क्वांटिटी में लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे जाम के मतलब गावा के पत्ते लिए हैं। पत्तों को अच्छे से साफ धो लें और इन्हें इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे। इन पत्तों का हमें बैटर को फैलाने में सहायता होगी। इस तरह से छोटे से लकड़ी की सहायता से हम इसे पैक कर लेंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका है चिले बनाने का। तो लहसुन को हमने पत्तों से अलग कर लिया है, पत्तों को इस तरह से बारीक काट के लिया है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और उसमें पत्तों को डालेंगे। साथ में हम डालेंगे हरा धनिया, मिर्च को भी हम 2 टुकड़े करके डालेंगे। साथ में डाल रहे हैं चावल। इस तरह से चावल डालने से पत्ते बहुत ही अच्छे से पीसे जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा पानी डालेंगे और इसे एकदम फाइन पेस्ट करके निकालेंगे। देखिए, एकदम फाइन पेस्ट बनके तैयार है। इस बैटर को हम एक बर्तन में निकालेंगे। लहसुन का जो टेस्ट होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हम यहाँ पे चावल का आटा और गेहूं का आटा मिक्स कर रहे हैं। चावल के आटे से हमारे चिले क्रिस्पी बनते हैं और गेहूं के आटे से सॉफ्ट बनते हैं। अगर आपको लहसुन का जो स्ट्रॉन्ग वाला टेस्ट पसंद आता है तो आटे की क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। आटे को बैटर में अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल भी यहाँ पे लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, एकदम पतला भी नहीं और गाढ़ा भी नहीं। अब हम गैस पे एक तवा रखेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तवे को सभी साइड से। अब हम इसमें बैटर डालेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस तरह से पत्तों की सहायता से हम बैटर को फैलाएंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक के पकने देंगे। चिले के ऊपर से तेल लगाएंगे और दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे। वाव, हमारा लहसुन का चिला बनके तैयार है। ये हमारा सॉफ्ट चिला बना है। अगर आपको क्रिस्पी चिला डोसे जैसा पसंद आता है तो आप इसे थोड़ा ज्यादा देर तक के कुक करें, 2 मिनट से ज्यादा कुक करें, 3 मिनट तक इसे कुक करें। देखो, 3 मिनट हो चुके हैं, ऊपर से तेल लगा लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। देखिए, हमारा क्रिस्पी चिला बनके तैयार है। अगर आपको
इसका कलर और भी ज़्यादा ग्रीन चाहिए तो आप इसमें पालक डाल सकते हो, पालक से बहुत ही अच्छा कलर आता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्ते।